नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अभिषेक रजक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन कब से मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से कहा जा रहा था कि 20 दिसंबर से टैबलेट वितरण होगा, लेकिन आज 20 दिसंबर है, टैबलेट या स्मार्टफोन को लेकर कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि आज से आपको टैबलेट मिलेगा। लेकिन आज के दैनिक जागरण अखबार में एक आर्टिकल निकला है जिसमें बताया गया है कि आपको टैबलेट व स्मार्टफोन 25 तारीख से बटना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वो वही आर्टिकल है जिसमें बताया गया है 1,00,000 युवाओं को मुफ्त टैबलेट व मोबाइल 25 को। तो चलिए जान लेते हैं पूरी बातों को। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकोना स्टेडियम में 1,00,000 युवाओं को फ्री टैबलेट व मोबाइल सौंपेंगे। इसमें हर जिले से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने 1,00,000,000 युवाओं को मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा की है। 25 दिसंबर को 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट बांटे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 तारीख को, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, तो इसी के अवसर पर लखनऊ के इकोना स्टेडियम में लगभग 1,00,000 छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा, जिसमें सभी जिलों से कुछ बच्चे चयनित होके जाएंगे। तो यहाँ पे यही बातें बताई जा रही हैं। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ में 25 तारीख से वितरण स्टार्ट हो जाएगा, उसी के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धीरे धीरे करके छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो उसके बाद देख सकते हैं, उसी के साथ एक और न्यूज़ छपी है जिसमें बताया गया है कि पहले अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को मिलेगा टैबलेट। तो देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जो छात्र अंतिम वर्ष में होंगे उन्हें पहले वरीयता दी गई है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी बातों को। मुफ्त टैबलेट और मोबाइल वितरण के पहले चरण में अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं MA, BA, BSc, ITI, MBBS, MD, BTech, MTech, PhD और स्किल डेवलपमेंट आदि के छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। तो देख सकते हैं कि पहले लास्ट ईयर के छात्रों को दी जाएगी। अगर आप MA, BA, BSc, ITI, BTech कुछ भी कर रहे हैं और आप लास्ट ईयर में हैं, तो आपको सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं, लिखा गया है DG शक्ति पोर्टल पर 38,00,000 से अधिक युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी भी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो लगभग DG शक्ति पोर्टल पर 38,00,000 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आगे भी छात्र रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो यही बातें निकल के आ रही हैं, आपको जो टैबलेट है और स्मार्टफोन है वो 25 दिसंबर से वितरण स्टार्ट हो जाएगा। तो लखनऊ में 25 तारीख को इकोना स्टेडियम में काफ़ी भव्य प्रोग्राम रखा गया है, उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।